बढ़िया। अम्मा केक के हाँची कर रहे हैं, हाँची कर रहे हैं बाबा देख के भाई। देखो हेलो माय टू फैमिली, कैसन बा राधे राधे। तो आज है 19 मार्च और मेरे बच्चे 3 मंथ्स कंप्लीट कर लिए हैं भाई। एक पड़ाव पार हो गया है, 3 महीने के हो गए हैं। अब तो काफ़ी हरकतें करने लग गए हैं, हंसते हैं, जैसे बुलाओ ना बेटू तो बहुत हंसते हैं, और बातें तो बतूनी बहुत ज़्यादा हो गए दोनों के दोनों, बतूनी बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, हंसते तो लगते बहुत समझदार हो गए, अब कुछ नहीं करेंगे लोग, और जब रोते तो बाप रे। और तैयार व्यार करे गए, नहलाए धुलाए गए, नहलाए क्या गए, मौसम फिर से ठंडा बहुत हो गया है, जैसे सोचा गया था कि अब की बर्थडे से शुरू कर देंगे नहलाना और डेली नहलाया जाएगा, तो या तो मौसम सर्द वाला हो जाता है या इनको सर्दी हो जाती है। तो दवाइयों से कम फ़ायदा हो रहा था, जो घुट्टी दी जाती है मतलब जयफर बादाम इन सब की घुट्टी देना शुरू कर दिया, क्योंकि अब 3 महीने के हो गए हैं, कुछ एक हफ्ते से दे रहे हैं, ज़्यादा छोटे में देने में डर लगता था, तो अब देना, तो उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। सर्दी तो चली गई थी, खैर खांसी वगैरह यह रह गया था, कफ वगैरह, तो अब उससे काफ़ी हद तक ठीक हुआ है। तो बर्थडे मतलब व्लॉग बना नहीं रहे इस टाइम पे, मतलब नए व्लॉग नहीं जा रहे क्योंकि पुराने अभी नहीं ख़त्म हो पाए हैं, होली के ही चल रहे थे, फिर घर गए हुए थे 3 महीने पैर फिराने, नानी के घर भाई दोनों गए हुए थे, तो वो वाला वीडियो गया अभी, और फिर मम्मी के बर्थडे का वीडियो बनाया नहीं, उसमें भी मैंने सुबह से मतलब मैगी बनाई थी और उत्पम बनाए थे, और ये सब का वीडियो नहीं बनाया था, नहीं तो सोचते तो बना लेते, फिर हमने कहा अभी यही वीडियो नहीं गए हैं तो ये जब बनेगा तो क्या, तो थोड़ा थोड़ा बनाया है बर्थडे का, मतलब मम्मी ने जब केक कट किया है तब का, मम्मी तो बहुत मना कर रही थी, कहीं पागल है मेरे लिए केक मंगाती है, लेकिन मैंने मंगाया था। और फिर 18 छोड़ के 19 को इन दोनों का बर्थडे भी नहीं, मतलब इनको केक वेक मैं नहीं काटती, सिर्फ मैं मतलब ये कर रही हूँ कि जैसे 1, 2, 3 मंथ मतलब कंप्लीट जैसे ही करते जा रहे हैं, तो वैसे ही मैं फ़ोटो केवल ले रही हूँ, बर्थडे मैं हर महीने का नहीं मनाने वाली, मुझे नहीं अच्छा लगता, और मैं मतलब फ़र्स्ट बर्थडे ही मनाऊँगी, और फर्स्ट 1 मंथ वाला बनाया था मैंने, लेकिन बाकी फिर मैं सिर्फ जो लिख रही हूँ वही फ़ोटो वगैरह ले ले रही हूँ, यादगार रहेगा। और फिर मुझे अब आज 19 है 20 छोड़ के 21 को मेरा बर्थडे, तो व्लॉग पता नहीं कब जा पाए, क्योंकि अभी पुराने व्लॉग पूरे एडिट होकर जा नहीं पाए हैं, जबकि मैं व्लॉग डेली डाल रही हूँ, आप लोग देख भी रहे हैं खैर, और तो बस मैं थोड़ा थोड़ा बना ले रही हूँ अपने बर्थडे का भी, सब मिलजुला के थोड़ा हो जाएगा एक बर्थडे व्लॉग, दादी का बर्थडे, पोतों का बर्थडे, बहू का बर्थडे, सबका बर्थडे, तो ये मंथ बर्थडे वाला, और मामा जी के यहाँ भी सब मतलब बर्थडे सिलसिला शुरू है, पहले लवी भैया का, फिर लकी भैया का, तो मतलब सबका बर्थडे शुरू है। हाँ, ये मम्मी ने ये साड़ी दी थी हमको, मतलब साड़ी नहीं है, कॉटन की धोती है, तो मतलब कहो 3 साल पहले दी हो और आज पहन पाए, अभी भी कंप्लीट मतलब पूरी तरीके से नहीं, इसका ब्लाउज नहीं, ब्लाउज बन गया था वैसे, लेकिन आता नहीं है इस टाइम पे मुझे तो, और ये देखो अभी किनारी विनारी सिली नहीं है, मैंने ऐसे रखी हुई थी और खाली सोच रखा था कि बर्थडे वाले मतलब जैसे उस दिन देखा तो मैंने कहा कि पहनेंगे इसको, तो निकाल लिया जब देखा, हमने यार किनारी तो बनी नहीं है, हमने कहा चलो कॉटन की है तो अभी इतना समझ में नहीं आता है, तो करवा लेंगे ये सब, तो अच्छी बहुत लग रही है पहनने पे। मैं सोच रही थी कि और गांव गए थे तो क्यों नहीं लेके गए थे, एक दिन मुझे इसको भी पहनते, और ये ब्लाउज बनवाया था कॉटन का ही है, ये भी तो मम्मी की बहुत मैचिंग, इस पर एक ब्लू साड़ी पहनते वो भी इसके बहुत मैच करती है, और ये वाली तो कुछ ज़्यादा ही मैच कर रही है इससे मतलब ब्लाउज से, तो मम्मी की बहुत मैचिंग पहन रही हो आजकल, हमने कहा इस ब्लाउज से सब साड़ियाँ मैच कर रही हैं, तो 3-4 ब्लाउज बनवा लिए थे कॉटन के ढीले से, तो वही पहनती हूँ, और अभी फुल लुक दिखा देती हूँ, फुल क्या सब सामान इधर लगा हुआ है इसलिए मैं नहीं दिखा रही, क्योंकि जितनी साड़ियाँ वगैरह मिली हैं, घर गई थी तब मिली थी, मामा के यहाँ गए थे तब मिली थी, और भी क्या मिला, बच्चों के कपड़े सब, अभी मम्मी सोची थी क्या पहना है वो सब फैला दिया है निकाल के, और इतना टाइम है नहीं कि अभी मैं समेटूँ, क्योंकि बच्चे जब अच्छे मूड में रहते हैं ना तो बस उसी टाइम लगता है फोटो वगैरह ले लो, उनका मूड देखते हैं अपना मूड बाद में, तो ये सब तो मैं कर लूँगी बाद में, तो मैं पहले लुक दिखा देती हूँ, सामान फैला हुआ है कोई बात नहीं। तेरा मुझसे है पहले कहना था ड्रेस बदल गई, अच्छा राज माता बन गई है मम्मी, रुको 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 तो दोनों जगह टिक्का लगा दी।
अरे भैया जाग का बेचारा कहाँ गवा टिक्का टिक्का लगा रहे हो अरे हिला दिया उसने अरे देख उनका देखो सही लगा हैप्पी बर्थडे टू यू बाय क्या Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, daddy. Happy birthday to you. कहाँ लटके जा रहे हैं? सुंदर सुंदर पहने थे बढ़िया दिन में तभी कटवा लिया जाता ना भाई देखो पूरा जग गया एकदम बढ़िया अम्मा केक खिला पिला रहे हैं भाई ये पूरा ही तो पूरा जगराता हुआ घर में तो कराए सोई है दादी पिस्तौल चला रही तब जाके चुप है पोते पापा हाँ ले रहे हाथी कर रहे हैं हाथी कर रहे हैं पापा देख के भाई अरे दादा ऐसा दादी बिजली के तब हाथी हो रही देखो बस बात करने के मूड में है पापा बात उनका देखो उनसे बात भी कर लो फोटो हो गई हम तो वीडियो बना रहे हैं भाई हाथी कर रहे हैं भाई इनसे भी बात कर लो हाँ बाबा हमसे भी बातें कर लो क्रिस्टल चलेगी तब जाके देखो दादी को देख रहे हैं भैया बातें चलेगा भैया बातें चलेगा बातें चलेगा क्या भैया बातें करेगा चेतू बातें करेगा मेरा हाँ बस बहुत हो गया है बस चलो बहुत हो गया तुम लोग बहुत हो गया अरे दादा ये तो एक बार कंपेयर नहीं था इनकी बंदूक आ रही घुसी जा रही है बाबा नॉन स्टॉप चला रहे हैं बंदूक अले दादा अले दादा बातें देखो हाँ बातें रोते रोते बातें ये तो कह रहे जो मर्जी करो करते रहो बहुत सब जन रोतड़ू नाम रखे ना हमको देखो हाँ बहुत हाँ जब रोऊंगा तब संभालना अभी हम आए हाँ इनका देखो लग जा फोटो खिंचा रहे हैं एकदम वही का फोटो वोटो खींची गई गोदी में ले लो चला ओए बेटू अरे 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 बहुत सुंदर बहुत सुंदर भाई बहुत सुंदर हो गया हो गया भाई हो गया भाई हो गया भाई अच्छा सिंगल फोटो आप लोग मिस नहीं कर रहे इसलिए मैं लोलो कर रहा हूँ आप लोग मिस नहीं कर रहे हो मुझे कमेंट नहीं दिखते अरे अरे बस बस भाई भाई ये देखो
कॉटन की ना तो पहनने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, बड़े मुश्किल से पहन पाई हूँ। नीचे अभी भी मतलब कोई और सुधारता तो ठीक होता, नहीं तो ऐसे ही तो बस पहन लिया है मैंने। और यार बहुत सारे कपड़े पड़े फैल रखे हैं थोड़ा अच्छा कम लग रहा है समेट। अरे यार क्योंकि दो दिन से मतलब धूप भी कल नहीं निकली थी तो गीले कपड़े भी फैला दिए गए थे इधर से उधर, तो थोड़ा सा फैला हुआ है रूम। बाकी दिखा देते हैं फिर समेटना शुरू करते हैं रूम। तो बताइएगा धोती कैसी लग रही है, मेरी कॉटन की साड़ी अच्छी लग रही है। थैंक यू मम्मी, 3 साल पहले दी थी, अब जाके तैयार करी तैयार, वो भी पूरी कंप्लीट नहीं है, बस पहन ली, अच्छी लग रही थी बहुत। पापा के साथ फोटो क्लिक करवाने क्योंकि छोटे पापा रह गए थे अभी। छोटे पापा के साथ फोटो लेंगे भैया। सब लोग लगे हुए कह रहे हैं हाँ अच्छा करो तुम लोग, अच्छा करो अच्छा कर लो, अच्छा कर लो बुआ, अच्छा कर लो दादी, अच्छा कर लो, सब लोग अच्छा कर रहे हो, हंस नहीं रहे वहीगा भैया नींद में ना थोड़ा। चाचू मतलब सुबह ही चले गए थे, उनको टेस्ट वगैरह करवाने थे तो खाया पिया नहीं था, और अभी आए खाना खाया, बोले चाय पियेंगे तो मम्मी बोली मैं भी पीऊंगी क्योंकि सुबह की चाय बच्चों के चक्कर में ठंडी हो गई थी, और अभी तो 3 बज गए हैं समझ लो। और पापा बोले हैं चाय, हमने कहा आप परेशान मत होइए आपके लिए कॉफी बना देते, कहे हाँ ये ठीक है। वो बतियाने के चक्कर में ऊपर आ गई और बह भी गई, चाय बह गई उसका दुख नहीं है, गैस गंदी हो गई है। चलो तब तक नहीं बहती है ये, गैस गंदी हो गई अच्छे से। वैसे भी अभी खाना बना रहे मतलब बन चुका था, फिर से रोटियां बनाई तो थोड़ी गंदी वैसे भी हो गई थी, लेकिन ज़्यादा गंदी हो जाती है, चाय पत्ती गिर जाती है तो